नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूँ आपके साथ राजश्री धवाई। तो चलिए सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। वाराणसी में चुनाव प्रचार रोड शो यहाँ पर चल रहा है और जनसैलाब भी आप देख रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में है। सातवें चरण का जो प्रचार है वो देखने को मिल रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और रोड शो इनका चल रहा है। तमाम दिग्गज आज प्रदेश में है। पूर्वांचल में अब मतदान होने हैं। 57 सीटों पर कल वोट डाले गए, अब 54 सीटों पर मतदान की बारी है। सातवां और अंतिम चरण, जिसके लिए प्रधानमंत्री भी यहाँ पर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। बलदैया से काशी विश्वनाथ धाम तक ये रोड शो की तस्वीर आप देख रहे हैं। पीएम मोदी के काशी रोड शो में जनसैलाब यहां पर उमड़ा हुआ है और आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव का सियासी जंग अब अंतिम दौर में है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मिर्जापुर में जनसभा को संबोधित करते नजर आए थे। मिर्जापुर के बाद प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में रोड शो यहां पर कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। करीब 3 किलोमीटर लंबे रोड शो की जो शुरुआत है वो शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से हुई और दक्षिणी विधानसभा से होते हुए कैंट में जाकर समाप्त होगी। रोड शो का रूट मलदहिया चौराहे से शुरू होकर लहुरा बीर कबीर चौराहा लोहटिया मैदागिन नीची बाग चौक होते हुए बाबा विश्वनाथ धाम तक जाएगा। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया है। सरदार पटेल चौराहे से प्रधानमंत्री मोदी का जो रोड शो है वो चल रहा है, तस्वीर आप देख रहे हैं। तो वाराणसी की सड़कों पर मोदी के जयकारे भी लगाए जा रहे हैं। कार्यकर्ता समर्थकों में जबरदस्त उत्साह और उमंग यहां पर देखने को मिल रहा है, तस्वीर आप देख रहे हैं। रोड शो वाले मार्ग बीजेपी के झंडे और टोपी पहने कार्यकर्ता जो है वो साफ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जगह जगह जातियां भी यहाँ पर सजाई गई है। तो पीएम मोदी का आगमन वाराणसी से हो चुका है और जो इनका जो काफिला है वो मलदहिया की तरफ बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पुलिस लाइन चौराहे पर यातायात भी कहीं ना कहीं बाधित है और व्यवस्था ठीक करने के लिए यातायात को बाधित किया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री यहां पर रोड शो कर रहे हैं। पीएम मोदी के रोड शो के मद्देनजर वाराणसी में आज दोपहर 12 बजे रूट डायवर्जन भी लागू हुआ। फिलहाल कुछ जगहों पर जाम की स्थिति भी है। तो जगह जगह लोग टोलियों में नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर यह उत्साह अलग तरह से देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी सातवें और अंतिम चरण के लिए प्रचार थमने से पहले काशी में है। पीएम मोदी मलदहिया स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के पास भी पहुंचे थे, माल्यार्पण उन्होंने किया और ये रोड शो जो चल रहा है वो करीब 3 किलोमीटर का है। लगभग 3 किलोमीटर का ये रोड शो है जो जिसकी शुरुआत हुई है उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से और दक्षिणी विधानसभा से होते हुए कैंट विधानसभा में जाकर ये खत्म होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले विंध्याचल को नमन करते हुए नजर आए थे, जनता से बीजेपी को जिताने की अपील करते हुए नजर आए थे। पीएम मोदी वाराणसी भी पहुंचे थे, रोड शो जो है यहां पर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी के काशी रोड शो में जनसैलाब यहां पर नजर आ रहा है। पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया है। कुछ देर पहले यह तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे। तो करीब 3 किलोमीटर लंबे रोड शो की शुरुआत हो गई है। शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से इसकी शुरुआत हुई और दक्षिणी विधानसभा से होते हुए कैंट में जाकर समाप्त होगी। रोड शो का रूट मलदहिया चौराहे से शुरू होकर लहुरा बीर कबीर चौराहा लोहटिया मैदागिन नीची बाग चौक होते हुए बाबा विश्वनाथ धाम तक जाएगा। सरदार पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण भी पीएम ने किया है। पीएम मोदी सरदार पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण करने पहुंचे और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। वाराणसी से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। Thank you.
इससे पहले प्रधानमंत्री मिर्जापुर पहुंचे थे, जनसभा को संबोधित उन्होंने किया था। पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका अपने प्राकृतिक संसाधनों और विंध्यवासिनी देवी मंदिर के मशहूर ये तमाम बातें कहते हुए नजर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आपको बता दें कि अंतिम चरण है और सातवां चरण है जिसके लिए वोटिंग 7 तारीख को होनी है। चुनाव प्रचार थमने से पहले ये रोड शो चल रहा है। चलिए किस तरह की तैयारी है और वाकई जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता धर्मेंद्र, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, एक तरह से देखा जाए तो शक्ति प्रदर्शन इसे कहा जा सकता है बीजेपी का, और हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। अभी ये रोड शो कहाँ तक पहुंचा है? पटेल प्रतिमा से माल्यार्पण करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जो है संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी पहुंचे, उसके बाद धीरे धीरे काफिला बहुत, क्योंकि काफी भीड़ बहुत ज्यादा है इसके वजह से काफिला बहुत धीरे धीरे चल रहा है। उसके बाद लौरा फिर पहुंचेगा, फिर लोहटिया पहुंचेगा, फिर मैदागिन पहुंचेगा, उसके बाद विश्वनाथ मंदिर पहुंच के विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन पूजन करेंगे करीब आधे घंटे। उसके बाद फिर वहां से प्रधानमंत्री का काफिला उठेगा काशी विश्वनाथ से, बोधलिया से रहा सोनापुरा मदनपुरा और आस्ती घाट होते हुए लंका होते हुए वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर जाकर कुछ अर्पित करेंगे और वहां से समापन होगा। जी चलिए, इससे पहले प्रधानमंत्री मिर्जापुर भी पहुंचे थे जहां पर उन्होंने कई तरह की उपलब्धियां सरकार को लेकर गिनाई हैं। दूसरी तरफ अभी ये जो रोड शो चल रहा है, जिस तरह का भीड़ वहां पर नजर आ रहा है, जो नजारा हम देख पा रहे हैं कुल मिलाकर धर्मेंद्र, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को दिक्कत भी हो रही होगी, कुछ जगहों पर जाम की स्थिति भी होगी, तो किस तरह की है तस्वीर शहर की? बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूंगा कि पूरे शहर देखिए मोदीमय है और अभी भी प्रशासन लगा हुआ है, ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है पूरी तरह से, और शहर में कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है पूरी तरह से चरमरा गई है, क्योंकि वन वे प्रधानमंत्री के लिए खोला गया, वन वे पब्लिक के लिए, तो काफी शहर में ट्रैफिक का रूट डाइवर्जन किया गया है, लेकिन उसके बाद भी पब्लिक आम पब्लिक को असुविधा हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री का रोड शो जब भी होता है वाराणसी में कहीं ना कहीं काफी व्यापक रूप से होता है, बड़ा होता है, और प्रधानमंत्री का ये रोड शो जो है पूरी जो शक्ति प्रदर्शन भाजपा की कही जाए, ये जो 54 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंतिम चरण की 54 सीटें, उसके लिए भाजपा पूरी ताकत झोंक चुकी है, तो इस जो मेगा शो प्रधानमंत्री का हो रहा है इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा जो संदेश जनता में जाना चाहिए उसको लेके भाजपा ने एक रूपरेखा तैयार की है। जी बिल्कुल, चलिए अगर हम इन तमाम सीटों की बात करें तो सातवां चरण है, जो नजारा जिस तरह का देखने को मिल रहा है धर्मेंद्र, वाकई अंतिम चरण है, भारी प्रचार इसे कहा जा सकता है, तमाम दिग्गज पहुंचे हुए हैं, समीकरण किस तरह के हैं, कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं यहाँ पर? जो मुद्दा है डेवलपमेंट, विकास, विकास का मुद्दा बीजेपी लेकर चल रही है, वहीं सपा की कल अध्यक्ष की रैली हुई तो उन्होंने रोजगार का मुद्दा लेकर चला, युवाओं को रोजगार, और जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है उसको भी उन्होंने साधा कहीं ना कहीं मन से। ममता बनर्जी आई यहाँ पे, उन्होंने घर का बेटा संबोधित किया प्लेस को, तो जो वोटों को रिझाने की लगातार कोशिश सभी दल कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, वाराणसी में जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री ने जो डेवलपमेंट की बयार कही जाती है 2014 से 2022 तक का जो रूपरेखा प्रधानमंत्री ने डबल इंजन की सरकार ने कार्य किया है, उसको लेके बीजेपी अपने डेवलपमेंट मॉडल को और विकास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोजगार का मामला है, जैसे अमूल डेयरी का भी प्रधानमंत्री ने 1 महीने पहले उद्घाटन किया था, 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा उसमें, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो खाका है, जो रूपरेखा है पूर्वांचल का, और गंगा एक्सप्रेस वे है, बुंदेलखंड है, उत्तर प्रदेश की रूपरेखा को पूरे बीजेपी अपने मैनिफेस्टो और कार्ड के माध्यम से दिखाने और जनता को समझाने की कोशिश कर रही है। जी बाकी और कहीं ना कहीं अपने सांसद और अपने प्रधानमंत्री को काशीवासी जो हैं वो अपने बीच पाकर काफी खुश नजर आ रहे हैं, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। इसी बीच गाजीपुर से बड़ी खबर है, जिले में गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे थे जंगीपुर, जोखनिया और सैदपुर विधानसभा में, बीजेपी और गठबंधन उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा उन्होंने की है। अमित शाह जंगीपुर विधानसभा के बड़सर स्थित मैदान पर राम नरेश कुशवाहा के जन समर्थन में जनसभा को संबोधित करते नजर आए। वहीं जोखनिया में चुनाव प्रचार करने पहुंचे अमित शाह, विपक्ष पर भी जमकर वार पलटवार किया है और कहा कि अखिलेश के चश्मे से उन्हें सिर्फ जाति और धर्म ही दिखाई देते हैं। अखिलेश बाबू के चश्मे में 2 कांच है, चश्मा तो मेरे जैसा है मगर 2 अलग अलग जाति और धर्म दिखाई पड़ते हैं। उनकी डाई आंख से एक धर्म दिखाई पड़ता है जिसमें आप और मैं नहीं है।
है क्या, है क्या, है क्या? और बाई आंख से एक जाति दिखाई पड़ती है जिसमें भी आप और मैं नहीं है, है क्या? सबका विकास, सबका साथ अगर करना है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने सिर्फ उत्तर प्रदेश में 1,67,00,000 माताओं को मुफ्त में गैस का चूल्हा और सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब ये 1,67,00,000 सिलेंडर के लिए आप ताली बजाते हो, मैं आपको बताता हूं कि दूसरी बार योगी जी को मुख्यमंत्री का दो 1,67,00,000 माताओं को होली और दिवाली में फ्री ऑफ कॉस्ट गैस की बोतल देने का काम है भारतीय जनता पार्टी। 54,00,000 किसानों को हर साल 6,000 रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में डालने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मैं आपको कहता हूं 10 मार्च को फिर से एक बार कमल फूल की सरकार बना दो भाई, 5 साल तक किसी भी किसान को बिजली का बिल नहीं भरना है, बिजली मुफ्त। इधर यूपी चुनाव के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने चंदौली के सैयद राजा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 7 मार्च को सभी को मतदान करना है। 6 चरणों के चुनाव रुझान बताते हैं कि बीजेपी का स्कोर वो 350 क्रॉस कर चुका है। 10 मार्च को जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो परिणाम के बाद पूरे प्रदेश में बीजेपी ही दिखाई देगी और इस भय से सपा बसपा के नेताओं ने अभी से विदेश भागने की अपनी बुकिंग शुरू कर दी है। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी सरकार आने की पुनः आहट मात्र से जो पेशेवर अपराधी बिलों के बाहर आ गए थे वो अभी से भागने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने बीजेपी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि बीजेपी ने भयमुक्त और दंगा मुक्त प्रदेश देने को कहा था जो पूरा हुआ। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज का वादा भी पूरा हुआ और किसी गरीब के साथ कोई भी भेदभाव नहीं हुआ। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव चल रहा है, 6 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 7वें चरण में 7 मार्च को आप सबको मतदान करना है। भाइयों बहनों, 6 चरणों के चुनाव रुझाने बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्कोर है वह 350 क्रॉस कर चुका है। 10 मार्च के चुनाव परिणाम के बाद आप देखना कि पूरे प्रदेश के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी ही दिखाई देगी और इस भय के सपा बसपा के तो बहुत सारे नेताओं ने अभी से अपनी बुकिंग करनी शुरू कर दी विदेश भागने की। भारतीय जनता पार्टी ने दंगा मुक्त भयमुक्त प्रदेश देने की वकालत की थी और आश्वासन दिया था, हमने उसको पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी ने एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की बात कही थी, हमने इस वायदे को ही पूरा किया। हमने कहा था कि गरीबों के साथ प्रदेश के नागरिकों के साथ कोई भेद नहीं होगा। मैं चंदौली के आप सभी भाइयों बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या 2017 के पहले आपको बिजली मिलती थी? आज तो मिलती होगी ना। उत्तर प्रदेश के चुनाव संपन्न होने में अब एक चरण की देरी है जिसे लेकर लगातार तमाम राजनीतिक दल आज मैदान में है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मऊ की जनता से अपने पक्ष में वोट करने की अपील करते नजर आए। मऊ के घोसी विधानसभा के अंतर्गत सपा प्रमुख ने
जनता को संबोधित किया और बीजेपी पर हमलावर रहे। अखिलेश ने कहा कि पूर्वांचल में बीजेपी का दरवाजा बंद हो गया है, बीजेपी का सूपड़ा साफ होने जा रहा है और बीजेपी के लोग जनता से झूठ बोलते हैं। आगे कहा कि भाजपाई गंगा मैया की झूठी कसम खाते हैं। उत्तराखंड की महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने आज जिला अस्पताल कोरोनेशन का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। हालांकि कई खामियां अस्पताल में देखने को मिली, जिन्हें डीजी हेल्थ ने दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं लगातार उत्तराखंड में अभी भी कोविड की रफ्तार कम नहीं हुई है, जिसे लेकर डीजी हेल्थ तृप्ति बहुगुणा ने स्वास्थ्य महानिदेशालय में सीएमओ के साथ भी मीटिंग की है और आला अधिकारियों को कोरोना को लेकर ढिलाई ना बरतने की बात कही। हमारा ये है कि देखिए कोविड तो गया ही नहीं है, देखा जाए कहीं ना कहीं अभी हमारे साथ है, तो हम लोगों को तो ये लेकर चलना ही है कि कोविड की जो अपनी तैयारी है वो तो अपनी जगह, जो काम चल रहा है फिर क्लिनिक चलनी ही चलनी है, हमारी जो सस्पेक्टेड लोग टेस्ट कराने ही कराने हैं, यदि हमें कुछ ऑपरेशन के लिए करना है या कुछ हमारी लेबर में आ रही है तो उनके भी हमें टेस्ट कराने होते हैं, वो भी हमें करने ही करने हैं। इसके अलावा जो हमारे नियमित काम है वो भी चलाने हैं, तो उनको भी हमने कहा कि फोकस करें ना, दोनों ही चीज हमारे साइमल्टेनियसली काम करें। इधर देहरादून में दून पुलिस ने वंशिका हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार भी किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी की मृतका से सोशल मीडिया पर कमेंट को लेकर कहा सुनी हुई थी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त बाइक, तमंचा और मोबाइल बरामद किए हैं। इधर रुद्रप्रयाग में तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट खोलने से पहले ही यहां सैलानियों की भारी संख्या में आवाजाही होने लगी है। अभी तक धाम के कपाट खोलने को लेकर तिथि भी तय नहीं हुई है और धाम में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जिस कारण भगवान शंकर की तंद्रा भंग होने के साथ ही अजैविक कूड़ा फेंकने के कारण पवित्र वातावरण दूषित हो रहा है। आपको बता दें कि तुंगनाथ मंदिर में भगवान शिव के हृदय और बाहों की पूजा होती है। ये केदारनाथ और बद्रीनाथ के करीब करीब बीच में है। इस जगह की खासियत यह है कि यहाँ आकर हर एक इंसान तनाव को भूल जाता है। चलिए एक बार फिर आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं प्रधानमंत्री के रोड शो की। तो पीएम मोदी के रोड शो की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये तमाम गलियां चौराहे वो सजकर तैयार थी पहले और यहां से क्रॉस हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि इससे पहले सरदार पटेल की प्रतिमा पर शीश नवाकर रोड शो की शुरुआत उन्होंने की और काशी विश्वनाथ के दर गौदौलिया तक ये जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के लिए जो काशी है, बनारस है, वो पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। पीएम जिन सड़कों से गुजर रहे हैं वहां पर भव्य सजावट जो है वो की गई है। बीजेपी का झंडा, बैनर, बलून सब कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है। तमाम कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और जो समर्थक है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री सातवें और अंतिम चरण के प्रचार थमने से पहले तक काशी में है और ये तस्वीरें वहां से निकल कर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने 2 बजे से मलदैया से सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रोड शो की शुरुआत की और लगभग ये काफिला अब पहुंचने को है। 3 किलोमीटर का ये रोड शो है पूरा, जो शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से होकर दक्षिणी विधानसभा से होते हुए कैंट विधानसभा में जाकर खत्म होगा। तो काफी समय से काशीवासी इंतजार कर रहे थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी खुशी का माहौल था और वाकई तस्वीरों में देखने को मिल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के दौरान पुलिस की रूफ टॉप फोर्स यानी कि
आरटीएफ को भी यहाँ पर तैनात किया गया है और भीड़ की निगरानी ड्रोन कैमरे से कराई जा रही है। बाहर से तकनीकी विशेषज्ञों को यहाँ पर कमिश्नरेट पुलिस ने बुलाया है और जो यहाँ पर निगरानी रख रही है। छतों की निगरानी के लिए तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से गौदौलिया से मैदागिन तक रोड शो करेंगे और काशी विश्वनाथ धाम में मत्था टेकने के बाद वे सोनारपुरा होते हुए लंका स्थित मालवीय प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। तो ये शेड्यूल रहने वाला है प्रधानमंत्री मोदी का। आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे करीब ये रोड शो शुरू हुआ। रोड शो का जो रूट है वो मलदहिया चौराहे से शुरू होकर लहुराबीर, कबीर चौरा, लोहटिया, मैदागिन, नीची बाग चौक होते हुए बाबा विश्वनाथ के धाम तक पहुंचेगा, जहां से प्रधानमंत्री बाबा विश्वनाथ से दर्शन और आशीर्वाद लेंगे। सोनारपुर 80 मार्ग से होते हुए बीएचयू गेट पर स्थित पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी यहां पर प्रधानमंत्री करेंगे। पीएम मोदी का ये रोड शो है वो शहर दक्षिण में सबसे ज्यादा वक्त तक रहने वाला है। इसके पीछे इस विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर को माना जा रहा है। देर शाम अभी यानी कि कुछ ही देर बाद अब गौदौलिया भी पहुंचेंगे और वहां पर दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी शामिल होंगे और उसके बाद विश्वनाथ धाम भी, काशी विश्वनाथ धाम भी यहां पर प्रधानमंत्री जाएंगे। तो वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी का ये 3 किलोमीटर लंबा रोड शो सरदार पटेल की मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण किया और अब बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहाँ पर रोड शो करते नजर आ रहे हैं। दक्षिणी इलाकों में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश भी यहाँ पर की जा रही है इस रोड शो के माध्यम से। काशीवासी यहाँ पर फूल बरसाते हुए भी नजर आ रहे हैं और काफी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत यहाँ पर प्रधानमंत्री का किया है। रोड शो में भीड़ भी वाकई नजर आ रही है। तो हर बार प्रधानमंत्री के पहनावे का भी जिक्र होता है तो इस बार भगवा टोपी पहने हुए मोदी रोड शो के दौरान काशीवासियों का अभिवादन यहाँ पर स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। जनता की ओर से मिल रहे भेंट को भी स्वीकार कर रहे हैं। वाराणसी के लोग अपने सांसद को देखने के लिए सड़कों पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो गौदौलिया चौराहा तक ये रोड शो पहुंचेगा। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर तक सैकड़ों की संख्या में यहां पर लोग इकट्ठा नजर आ रहे हैं। यूपी चुनाव के मद्देनजर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में यहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।